किसानों के हित में धरना प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। जनपद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों पर के सरकार के द्वारा हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके किसानों के समर्थक में अतिरिक्त उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आसपास के गांव के कई किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 नए कानून लाए गए हैं और किसान विरोधी है, यह कानून किसानों के लिए काला कानून है। इस कानून के में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। समाजवादी लोगों को किसानों के बेटे, किसानों की लड़ाई में हर कदम समाजवादी लोग खड़े हैं। पूर्व विधायक कल्याण सिंह दौरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगना करने का जो वादा किया था वो एकदम झूठा निकला है। किसानों की फसल औने पौने दाम में बिक रही है, बिचौलियों का दोबारा है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। सत्ता पर बैठे लोग धरना सेठों के गुलाम बन गए हैं। यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग यह जान के लिए जो देश का पेट भरते हैं उनके खिलाफ कोई काला कानून आया तो समाजवादी लोग सरकार ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मौके पर इंद्रेश यादव, संजय दुबे, अनुज यादव, अमित मिश्रा, सत्येंद्र रामवीर कठेरिया यादव, अंशुपाल, किसान कल्लू, किसान नरेश यादव, किसान मुन्ना कुशवाहा, किसान विनोद यादव, हरिपाल राजपूत, किसान गौतम कुशवाहा, किसान प्रवीण दुबे, पन्ना लाल आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। उसे डाला जाता है और जब खाना बन जाता है तो सबसे पहले उसे निकाल के फेंक दिया जाता है। इसी तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, किसान खेत में मर रहा है। उससे कहा गया 1.5 गुनी तुम्हारी लागत का 1.5 गुना देंगे, लेकिन किसान धान और मक्का किसी ने नहीं खरीदा, बिचौलियों के हाथ उसने बेचा। आत्महत्या करने पर किसान मजबूर है। हम किसानों के समर्थन में हम समाजवादी लोग आज धरना दे रहे हैं, कल सड़कों पर उतरकर अन्याय के खिलाफ किसानों के समर्थन में हम आंदोलन करें।